लखनऊ में सब्जी कीमतें आसमान छू रही हैं, हर वर्ग परेशान है, सबकी थाली से सब्जी गायब हो रही है। जो लोग किलो में सब्जी खरीदते थे आज पाव में खरीद रहे हैं। टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है। आइए जानना चाहते हैं सब्जी क्या असर पड़ा महंगाई का। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है महंगाई का। हम लोग का बजट सबका बिगड़ा हुआ है, हम लोग बाजार निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। लोग महंगाई के बारे में बता रहे हैं कि सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या कहना है महंगाई के बारे में। आजकल महंगाई इतनी ज्यादा होती जा रही है कि जो कि आसमान छू रही है। जैसे कि आलू, प्याज, टमाटर, जो कि हम लोग अच्छे से खाते थे, आजकल वो भी 100 रुपए, 80 रुपए किलो टमाटर 60 रुपए किलो हो गया है, जो कि हम लोग अब खा ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम आते तो हैं 1 किलो लेने, लेकिन लेते हैं 250 ग्राम या पाव भर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो सरकार है वो अपना अपना दायित्व नेतृत्व अच्छे से अपना उसका आह्वान करे, ताकि अच्छी सरकार से जो उम्मीदें हैं वो हमारी पूरी फुलफिल हों और अच्छे से अपना खाना खा सकें। महंगाई को लेकर हर आदमी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है और कह रहा कि महंगाई कम होनी चाहिए। आप बताइए महंगाई क्या स्थिति? भाई मैं क्या बताऊँ, गवर्नमेंट तो बिल्कुल देखने को कुछ सोच ही नहीं रही है कि जनता क्या खाए, क्या करे, क्या कमाए, क्या खाए। 60-70 रुपए में प्याज है, आलू है, ये सब चीज़ें तो मामूली चीज़ें हैं। इनको तो और हल्की सस्ती होनी चाहिए, कम से कम ये रोज की खाने वाली चीजें हैं। आलू प्याज भी नहीं लोग खा पा रहे हैं। टमाटर भी 80-60 रुपए बिक रहा है, थोक मंडी में 60 रुपए, फुटकर में 60 में बिक रहा है। आइए जानते हैं क्या स्थिति है महंगाई की। अरे बहुत, क्या बच्चे खाएंगे, क्या हम लोग जोड़ेंगे, क्या पढ़ाया जाएगा। किसी के पास घर है, किसी के पास नहीं है। वोट लेने के लिए घर घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, वोट मिल जाए। जब गर्म हो जाती है तो अपने अपने घर बैठ जाते हैं। बताइए बच्चे को हम लोग कैसे पाले। कम से कम आम दुकानदार से पूछते हैं क्या स्थिति है महंगाई की। भाई साहब ऐसा है कि सब्जी वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो एका गणेश की जात से सब्जी भी महंगी है थोड़ी बहुत। थोक मंडी माल नहीं आ रहा है। थोक मंडी में माल नहीं आ रहा है। क्यों, ऐसा कारण क्या तो मंडी माल लाने का? अच्छा, ये गाड़ियां सब फंसी हुई हैं। आप लोग पूछिए इसके बारे में, हम लोग तो नहीं पूछ सकते। थोक मंडी माल लाने के कारण सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं, हर वर्ग परेशान है। जो लोग 1 किलो टमाटर खरीदते थे आज पाव भर टमाटर खरीद रहे हैं। जो लोग प्याज खरीदते थे आज प्याज छोड़ दे रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि लोगों की थाली से सब्जी गायब हो रही है। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। भाई साहब पूछते हैं, आप बताइए महंगाई के बारे में क्या स्थिति है। महंगाई यहाँ तो बहुत है। जैसे मैं हरियाणा का हूँ, लखनऊ में यहाँ रहता हूँ, तो बाकी बहुत ज़्यादा फर्क है यहाँ का वहाँ का भी इसमें महंगाई।